नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अशीम। वैसे तो आज हमारा लास्ट डे है, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वापसी की वो आफ्टरनून में है, इसलिए सोचा कि मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा एक बर्डिंग सेशन जो है वो लगा लिया जाए। तो प्रभु भाई हमें किसी अननोन जगह पर लेकर चले हैं, देखते हैं कहाँ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। इस जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भवाली की साइड से कोई एक छोटा सा लिंक रोड है, वहाँ से निकलकर हम लोग आए। पूरा ऑफ रोड था और सिंगल रोड एकदम, पर ये लोकेशन बहुत अच्छी है। प्योर जंगल, एकदम रॉ नेचर है, चारों तरफ एक पीसफुल एकदम शांत माहौल। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बर्ड एक्टिविटी यहाँ पर हमें शायद ना मिल पाए, तो थोड़ा इसको ट्रैक को देखते हैं, थोड़ा घूमते हैं, मे बी कुछ अच्छा मिल जाए। हमें यहाँ पर ग्रे लंगूर जो है वो दिखाई दे गया है। गगन भाई ने तो उसकी पिक जो है वो ले ली है और उन्होंने मुझे कॉल किया है कि आप भी आकर पिक ले लो, तो उसकी एक पिक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है ग्रे लंगूर, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट सा, बिल्कुल क्यूरियस होकर हमारी तरफ देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। इस ट्रैक पे बहुत मतलब मज़ा आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नेचर के बीच में हैं। कोई किसी किस्म का कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, सिर्फ हम लोग हैं और हल्की हल्की हवा चल रही है और एक ना अलग सी एक फ्रेग्रेंस होती है। यहाँ पे हमें मिल गई ये हिमालयन ब्लू टेल और इसके साथ ही हमें यहाँ मिल गया ग्रे हेडेड वुड पैकर। एक हमें यहाँ मिल गया ये फुलवस ब्रेस्टेड वुड पैकर, बड़ा ही कलरफुल, बड़े ब्राइट कलर्स हैं इसके। और एक सरप्राइज हमें यहाँ पे मिल गया ये ब्लैक फेस्ड वार्बलर, ये भी बस कुछ सेकंड के लिए आया और फिर गायब। तो मैं बात कर रहा था कि एकदम रॉ नेचर है और यहाँ पे जब आप घूमते हो ना तो एक अलग किस्म की वाइब्स आती हैं और बहुत ही एक अलग किस्म की, कह लीजिए कि खुशबू सी हवा में फैली होती है, जिसका बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा दिल कर रहा था कि बस यहीं पर घूमते रहो, नेचर को एंजॉय करते रहो, चारों तरफ बस देखते ही रहो। ये जो फ्लैट एरिया है इसको बुग्याल बोलते हैं। ऐसे एरियाज में फीजेंट वगैरह होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमारी कह लीजिए कि किस्मत अभी साथ में नहीं थी तो हमें यहाँ पे कुछ खास मिला नहीं, पर इंजॉय बहुत किया, बहुत दिल को अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। दिल था कि आगे तक चलें, लेकिन ठंड भी काफ़ी थी। आप देखो ये शेडो एरिया में बर्फ़ जमी हुई है, बिल्कुल बर्फ़, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शेडो एरिया में कितना टेम्परेचर डाउन होगा। थोड़ा सा धूप में मज़ा आता था, लेकिन शेडो में तो बहुत ठंड। तो जाते जाते इस जगह पे सोचा कि एक बार इसको नज़र भर के देख लिया जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन या इस पैराडाइज में आना चाहता है। बहुत ही सच में पैराडाइज है, एकदम मन को शांति मिलती है यहाँ पे, बहुत प्यारा। आप ये देखो प्योर ऑफ रोड है, कोई सड़क नहीं बनी हुई, एक टाइम पे एक ही गाड़ी जो है वो निकल पाती है,
तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी, वो भैया काफ़ी समझदार हैं, उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी जगह जहाँ मिली वहाँ पे रोक ली और हमें निकलने दिया। तो थैंक यू भैया हमें निकलने दिया। तो ये ऐसा मतलब ये रास्ता है बिल्कुल पत्थरों से भरा हुआ, कोई रोड नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग सीधा वापसी की तरफ ही निकलेंगे। रास्ते में मैं आपको भीमताल लेक दिखाऊंगा और उस लेक के बारे में भी आपके साथ कुछ बातें जो है वो शेयर करूंगा। मैंने आपको पहले एपिसोड में बोला था कि इस लेक के पीछे एक स्टोरी है। तो ये है भीमताल लेक। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो जो ये एरिया है नैनीताल का, यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे नैनीताल है, भीमताल है, सातताल है, नकुचिया ताल, खुरपा ताल, मालवा ताल, हरीश ताल, लोखम ताल, सरिया ताल, कमल ताल, ऐसे बहुत सारी लेक्स यहाँ पे हैं। पर भीमताल की अगर बात करें तो ये जो है ये ट्रायंगुलर लेक है और सेकंड लार्जेस्ट लेक है बाय सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो, और ड्रिंकिंग वाटर जो है एरिया में यहाँ से सप्लाई होता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे पांडव यहाँ आए थे और जो गदाधारी भीम थे उन्होंने यहाँ पे अपनी गदा के प्रहार से एक गड्ढा बनाया था जिसमें से पानी निकला, तो ऐसी कहानी है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो एक डैम बनाया गया था एंग्लो नेपाल वॉर जो थी उसके बाद, जब कुमाऊं रीजन जो था ये ब्रिटिश राज के अंडर आ गया, तो उन्होंने 1883 में यहाँ पे एक डैम बनाया जिससे इस लेक का निर्माण हुआ। इस लेक के सेंटर में आप सामने देख रहे हो एक छोटा सा आइलैंड है। ये आइलैंड एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं और बोट से हम लोग वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे एक एक्वेरियम भी बना हुआ है, ये बात हमें बाद में पता चली, तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ विज़िट करेंगे तो डेफिनेटली वो एक्वेरियम भी देख कर आएंगे। कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी की जो है फिश देखने को मिल जाती हैं। बाकी लेक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब नैनीताल लेक के बारे में नहीं पता था तो उस टाइम पे इसी लेक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लोग इसी लेक के ऊपर आते थे। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई और नैनीताल लेक का लोगों को पता चला तो फिर वो लोग वहाँ जाना शुरू हो गए। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली भीड़भाड़ कम रहती है लेकिन आप इंजॉय कर सकते हो, हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और जाते जाते जो है यहाँ पे हमें एक और बर्ड मिल गया। भीमताल के बाहर बाहर वाली साइड जब निकलते हैं थोड़ा सा आगे काठगोदाम की तरफ, तो रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पे स्टेपी ईगल जो हैं वो आम ही मिल जाते हैं वहाँ पे, तो वो भी हम लोग वहाँ पे जो है ज़रूर कैप्चर करेंगे। थोड़ा सा रुक के मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे कितनी लंबी लेक है, हम कब से इसके साथ साथ चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन की उत्तराखंड में सरफेस के हिसाब से अगर आप चलें। और ये नैनीताल लेक के कंपैरेटिवली काफ़ी साफ है, इसका पानी जो है नैनीताल लेक के पानी के कंपैरेटिवली साफ है। तो ज़रूर आइए आप, ये है वो स्टेपी ईगल, बहुत मतलब अमेजिंग बर्ड है ये। तो हमारी जो है ट्रेन काठगोदाम से चल पड़ी है और अब हम न्यू दिल्ली होते हुए अपने शहर फरीदकोट पंजाब में वापस पहुंचेंगे। ओवरऑल बहुत बढ़िया ट्रिप रहा, बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स जो हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की, आपके साथ शेयर भी की हैं। जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत से लोग जो हैं वो पूछ रहे थे कि इस ट्रिप पे क्या खर्चा आया, कैसे इस लोकेशन पे जाना है,
तो ये सारी डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं इस पूरे ट्रिप की डिटेल के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाकर बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं बेटर और बेटर क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत जगह जो है वो आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बस आपका साथ चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये पूरी सीरीज को एंजॉय किया होगा। जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर पहले एपिसोड से देखें। थैंक यू सो मच।